एक और जहां यूपी के बदायूं में महिला से गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर मुरादाबाद में भी युवती के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। मामला जिले के डिलारी क्षेत्र के गांव का है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर में सो रही थी, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक शख्स युवती के घर में घुस गया, जिसके बाद आरोपी ने जबरन युवती के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती को जान से मारने की कोशिश की और पीड़िता को छत से नीचे फेंक दिया। लड़की के चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में घर के बाहर पड़ा हुआ देखा। इसके बाद परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। घर में सो रही थी जब ये अरविंद नाम का लड़का आया, बंदूक रखी मेरे सिर के ऊपर, मुंह में कपड़ा ठूस के छत पे ले जाके मेरे साथ बलात्कार करा, मुझे छत पे से नीचे को फेंक दिया। मैं आप उस लड़के को जानती थी पहले से? नहीं। तो कितने लोग थे वो? एक ही था। क्या नाम है उसका? अरविंद। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ। क्या इंसाफ चाहते हो? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए उसे। उसके साथ गंगा जी लौड़े ने ले गया था छत पे, और जी उसके साथ मारपीट करी और जी जबरदस्त के बलात्कार करा और जी उसे छत से नीचे फेंक दिया। फिर हमें गंगा जी पता मिला, हम जैसे रोला कटा कि चोर चोर चोर, हमने देखा तो वो इसे फेंक के तब भाग गया नीचे। कौन था? अरविंद। ये कौन अरविंद? कहाँ का रहने वाला है? रोशनपुर का। वहीं पीड़िता के पिता ने आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक PRV पे सूचना दी गई थी, जिसमें बताया, कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहाँ गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें जो एक्यूज था उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। इसमें आज 164 का बयान लड़की का दर्ज हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें बयान में लड़की ने अपने साथ रेप की भी बात स्वीकार की है। इस समय वर्तमान में अभियुक्त जेल में है और लड़की भी खतरे से बाहर है। आगे जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है ये जारी है, और जो अभी तक विवेचना हुई है उसमें ये प्रकाश में आया कि लड़के और लड़की दोनों पड़ोसी हैं और रात्रि में इस तरह की घटना हुई थी। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी की गई है। आगे की जो विवेचना है वो साइंटिफिक आधार पर की जाए। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है और रेप के मामले के तहत आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।